मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर की शादी के चर्चे अक्सर होते हैं। क्रिकेटर होते हुए भी मंसूर अली सिनेमा प्रेमी के बीच काफी पॉपुलर थे। खेल के साथ साथ अपनी लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते थे। साल 1968 में बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के साथ उन्होंने शादी की थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय पर वह सिमी ग्रेवाल के भी दीवाने थे। आपको मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर की लव लाइफ के बारे में बताते हैं। मंसूर ने शर्मिला से शादी करने के लिए प्रपोज करने से पहले ही शादी की घोषणा कर दी थी। शर्मिला ने कहा था, हम अम्मा से मिलने गए थे और वहां उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने और मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। शर्मिला और मंसूर की शादी से जुड़े ऐसे कई किस्से सुनने को मिल ही जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि इनकी शादी के किस्से कितने दिलचस्प है। आज हम आपको इनकी लाइफ से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रहे हैं। मंसूर अली खान ने भले ही बाद में बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर से शादी की हो, लेकिन शर्मिला से मिलने से पहले मंसूर पटौदी एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के भी काफी करीब थे। ऐसा कहा जाता है कि सिमी और नवाब पटौदी शादी के बंधन में भी बंधने वाले थे। हालांकि किन्हीं कारणों के चलते यह शादी नहीं हो पाई थी और दोनों अलग हो गए। सिमी ग्रेवाल के बाद मंसूर अली की नजदीकियां एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर से बढ़ने लगी थी। दोनों एक कॉमन फ्रेंड के जरिए एक दूसरे से मिले थे। देखते ही देखते उन्हें समझ आने लगा था कि शर्मिला टैगोर ही वह हैं जो उनकी ड्रीम गर्ल बनने के लिए परफेक्ट हैं, जिनके साथ वह अपनी आने वाली पूरी जिंदगी बसर कर सकते हैं। हालांकि शर्मिला उस दौर की फेमस अभिनेत्री थी, उनसे शादी के लिए मंसूर को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। जब मंसूर ने शर्मिला के सामने अपनी शादी का प्रपोजल रखा था, तो एक्ट्रेस ने उनके सामने प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए एक अजीबोगरीब शर्त रख दी थी। एक्ट्रेस ने कहा था कि अगर वो 3 बॉलों पर लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो वह उनसे शादी कर लेंगी। कहा जाता है कि नवाब पटौदी ने एक्ट्रेस की ये शर्त हंसते हंसते स्वीकार कर ली थी और अगले ही दिन नवाब पटौदी ने 3 बॉल पर 3 छक्का लगाकर शर्मिला का दिल जीत लिया था। इसके बाद 27